फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमारा टू टाइप्स का होता है, NBFM और WBFM। NBFM को बोलते हैं हम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें बीटा की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 होती है। दूसरा होता है वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें हमारी बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। NBFM, अब जो हमारी स्टैंडर्ड FM की सिग्नल आया था वो क्या था, AC cos 2πfct प्लस बीटा sin 2πfmt। तो AC cos 2πfmt प्लस बीटा sin 2πfmt, इसमें हम लगा देंगे cos A प्लस B का फॉर्मूला, क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, इसको हमने खोल दिया यहाँ पे cos A cos B माइनस sin A sin B। अब क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 less than 1 है, तो हमें पता है cos थीटा, यदि हमारा थीटा स्मॉल होता है तो cos की वैल्यू होती है 1 और sin थीटा इक्वल टू होता है हमारा थीटा। तो ये वाला जो बीटा साइन 2πfmt है, ये हमने थीटा मान लिया है क्योंकि एक बहुत स्मॉल टर्म है। तो cos AC cos 2πfct cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस AC साइन 2πfct और साइन थीटा की वैल्यू थीटा, तो यहाँ पे हो गया बीटा इंटू साइन 2πfmt। ओके, अब हमारा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। NBFM का सिग्नल क्या कि क्या हो गया, AC cos 2πfct माइनस AC बीटा बाय 2 cos 2πfc माइनस FM इंटू टी प्लस AC बीटा बाय 2 cos 2πfc प्लस FM इंटू टी। हमारा स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन क्या थी, ये वाली AC cos 2πfct प्लस AC म्यू बाय 2 cos 2πfc माइनस FMt प्लस AC म्यू बाय 2 cos 2πfc प्लस FM। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये जो लोअर साइड बैंड होता है, FC माइनस FM को हम लोअर साइड बैंड बोलते हैं, माइनस और प्लस का डिफरेंस है, मतलब कि 180 फेज शिफ्ट हो रहा है। और यदि आपको देखना है कि ये हमारा कहाँ से आया, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा जनरल प्रैक्टिस में म्यू भी लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है, और NBFM के लिए बीटा भी लेस देन 1 होता है। तो ओनली डिफरेंस इज लोअर साइड बैंड में हमारा 180 का फेज शिफ्ट होता है। अगर हम इसे स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करें, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ड्रॉ किया था, तो हमारा कुछ इस तरीके से बना था। ये हमारा कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन सिग्नल की हमें FC और माइनस FC पर 2 इम्पल्स मिलती हैं, AC बाय 2 हो गया। उसी तरीके से हमारा AC म्यू बाय 2 का AC म्यू बाय 4 हो गया। इसका भी जो मैंने आपको इसका ड्रॉ करके दिखाया था स्पेक्ट्रम, मैं भी उसका लिंक अटैच कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसी तरीके से हम NBFM वाला जो ये है, इसका ड्रॉ कर देंगे। बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि ये म्यू की जगह यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब बैंडविथ, बैंडविथ क्या होती है, हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM करेंगे तो 2FM हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी बैंडविथ भी सेम आएगी, तो दोनों की बैंडविथ हमारी सेम होती है। और हम यदि पावर में कंपेयर करें, तो हमारी पावर भी सेम होती है, बस वहाँ पे म्यू की जगह बीटा स्क्वायर हो जाता है। तो इन दोनों में NBFM और जो हमारा AM है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इसी वजह से हम इसको कम प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत कम देते हैं NBFM को। यदि हमें FM में जाना होता है, मतलब कि अगर हमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखना होता है, तो हम वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ NBFM।